किस्मत वाले होते हैं वो, भारतीय नौसेना ज्वाइन करते हैं जो। भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बनकर भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 नवंबर 2022 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। www.joinindiannavy.gov.in पर लॉग ऑन करें। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा संदेश दिया। दोनों देशों ने कहा मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत अभिलेख समितियां गठित करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत विश्व में सर्वोत्तम तकनीक और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणेता होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। उत्तर पूर्व मॉनसून के आज भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए में वृद्धि की। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के प्रारंभिक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा है। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये मात्र सुझाव है और वे इसे राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि देशभर में पुलिस बल की पहचान एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर प्रकार का नक्सलवाद, भले ही वो बंदूक से हो या कलम से, उसे देश के युवाओं को भ्रमित करने से रोकने के लिए समाप्त करना होगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सरदार पटेल की प्रेरणा को देखते हुए ऐसी ताकतों को देश में फलने फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की कि वो पुराने कानूनों की समीक्षा और वर्तमान संदर्भ में उनमें संशोधन करें। श्री मोदी ने कहा कि पुलिस की अच्छी धारणा को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और गलतियों का समाधान निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्यों का एकजुटता से काम करना संवैधानिक जनादेश और राष्ट्र के प्रति दायित्व है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य दोनों एजेंसियों को कार्यकुशलता से बेहतर परिणामों और आम लोगों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से विकास से जुड़ी है, अतः शांति बनाए रखना प्रत्येक की जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्पात संयंत्र को लगाने से न केवल निवेश बढ़ रहा है बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील हजीरा संयंत्र के विस्तार के अवसर पर कल सूरत में वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है और सरकार देश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी है। मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देता हूं कि भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है वो भी गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत ही दूरदृष्टि वाली पॉलिसी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लक्ष्यों में इस्पात उद्योग की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत इस्पात क्षेत्र से सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। इसी तरह इस्पात क्षेत्र का सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, निर्माण, ऑटोमोटिव, पूंजीगत सामान और इंजीनियरिंग उत्पादों में व्यापक योगदान है। भारत में पूरी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। ये नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत मदद करने वाली है। मुझे विश्वास है कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया का ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के विजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये स्टील सेक्टर में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों को नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयंत्र विस्तार के साथ भारत में समग्र नई प्रौद्योगिकी आ रही है जो इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में बेहद सहायक होगी। इस स्टील प्लांट के माध्यम से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अनेक द्वार भी खुल रहे हैं। 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। इस एक्सपांशन के बाद हजीरा स्टील प्लांट में क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता 9 मिलियन टन से बढ़कर 15 मिलियन टन हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों के कारण भारतीय इस्पात उद्योग विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक उद्योग बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस उद्योग में विकास के लिए अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना ने वृद्धि के नए मार्ग बनाए हैं। आईएनएस विक्रांत का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि देश ने हाई ग्रेड स्टील में विशेषज्ञता प्राप्त की है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण रणनीतिक अनुप्रयोगों में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा, अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर में उपयोग के लिए स्पेशल स्टील विकसित किया है। ऐसी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश ने कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता और दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में 154 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन करते हैं। हमारा लक्ष्य अगले 9-10 वर्ष में 300 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसी उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर बल दे रहा है जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि कार्बन को एकत्र करके इसका पुनर्उपयोग किया जा सकेगा। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि मुंबई आतंकी हमलों के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ताओं को लगातार शरण देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने का प्रयास रोकने के लिए चीन की भी आलोचना की। डॉ जयशंकर कल मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी
समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वैश्विक आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 2008 के आतंकी हमलों की साजिश करने वालों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए 3 महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थता दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता नियम 2021 में संशोधन के लिए कल राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्रत्येक शिकायत अपीलीय समिति में केंद्र सरकार से नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति फैसला मिलने के 30 दिन के भीतर समिति में अपील कर सकता है। समिति विवादों के निपटान के लिए ऑनलाइन समाधान तंत्र अपनाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विश्व में सर्वोत्तम तकनीकी क्षमता से लैस मानव शक्ति और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्वास्थ्य में अग्रणी शक्ति बनेगा। पहले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन प्रदर्शनी और नवाचार पुरस्कार आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में 5G सेवा की शुरुआत से देश में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली में नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व ने कोविड महामारी के दौरान भारत की नेतृत्व क्षमता स्वीकार की है। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के माध्यम से 220 करोड़ से अधिक टीकों की आपूर्ति की। डॉ सिंह ने कहा कि भारत ने मार्च 2020 में टेली मेडिसिन से संबंधित दिशा निर्देश अधिसूचित किया और अप्रैल 2020 में आयुष के लिए भी ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व तैयारी के कारण ही यह संभव हो सका। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबके लिए डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य भी हासिल होगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने तमिलनाडु सरकार से वेल्लोर में उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए लगभग 11 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया है। परियोजनाओं की समीक्षा के बाद वेल्लोर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से अब्दुल्लापुरम का हवाई अड्डा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे और अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चेन्नई और बेंगलुरु से आने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वेल्लोर उच्च शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का केंद्र बनता जा रहा है। वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि चावल निर्यात से संबंधित नीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ निर्धनों की मदद के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 10 किलो चावल या गेहूं दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कल शाम हैदराबाद में तेलंगाना वाणिज्य उद्योग परिसंघ के सदस्यों से बातचीत की और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण के अनुसार वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में साझेदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने इस दिशा में सामूहिक प्रयासों पर बल देते हुए उत्पाद विपणन मजबूत करने और मेक इन इंडिया को सफल बनाने में एक दूसरे का सहयोग करने को कहा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में लासीपोरा में औद्योगिक विकास केंद्र में औद्योगिक परिदृश्य की समीक्षा के लिए वहां का दौरा किया। उन्होंने औद्योगिक संपदा में नए औद्योगिक एककों को देखा और विनिर्माण एककों के बुनियादी ढांचे का सघन निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उद्यमशीलता के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की व्यापार सुगमता की नीति से उद्योग और उद्यमशीलता फली फूली है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास केंद्र उद्योग का विकास इंजन है और शेष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए विकास का मॉडल है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया।
भारत और अमरीका ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा संदेश दिया। दोनों देशों ने कहा मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत विश्व में सर्वोत्तम तकनीक और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणेता होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। उत्तर पूर्व मानसून के आज भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र पहुंचने की संभावना। तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए में वृद्धि की। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के प्रारंभिक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में। दिल्ली में एआईआर एफएम गोल्ड आ रहा है नए सुर ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। एक नवंबर से एक बार फिर आप हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल एआईआर एफएम गोल्ड करा सोना। वरिष्ठ नागरिक है क्या? आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। हर रविवार रात 9:30 एफएम गोल्ड पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekadamaur@gmail.com। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 27 अक्टूबर को जांच के बाद 45 नामांकन खारिज कर दिए गए। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी को मतदाताओं को कथित धमकी देने के मामले में नोटिस जारी किया है। श्री रेड्डी ने मतदाताओं को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो उन्हें कल्याण योजनाओं के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नेता के दिलीप कुमार की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने श्री रेड्डी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आज दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है। कोई उत्तर न मिलने पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। निर्वाचन आयोग ने प्रथम दृष्टि में पाया कि ऐसे बयान से मंत्री ने आदर्श चुनाव संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी है। बृहस्पतिवार को आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्व मानसून के आज देश के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में
पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले कुछ दिनों में पुदुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में वर्षा होने का अनुमान है। देश के बाकी हिस्सों में अगले पांच दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। हैदराबाद में धुंध छाई रहेगी। बंगलुरु में सुबह में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलांग, अगरतला, आइजोल, इम्फॉल, गंगटोक और कोहिमा में सुबह धुंध छाई रहेगी। ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा टैक्सी किराए में संशोधन किया है। ऑटो रिक्शा के प्रारंभिक 1.5 किलोमीटर के किराए में 5 रूपये की वृद्धि की गई है। इस दूरी के लिए अब 30 रूपये देने होंगे। 1.5 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर किराया वर्तमान 9.50 रूपये से बढ़ाकर 11 रूपये कर दिया गया है। वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित टैक्सी का प्रारंभिक 1.5 किलोमीटर का किराया भी बढ़ा दिया गया है। इस दूरी के लिए अब 40 रूपये देने होंगे। 1.5 किलोमीटर के बाद गैर वातानुकूलित टैक्सी में 17 रूपये और वातानुकूलित टैक्सी में 20 रूपये प्रति किलोमीटर किराया लगेगा, जबकि पहले यह किराया 14 और 16 रूपये प्रति किलोमीटर था। सरकार ने अतिरिक्त सामान के लिए ऑटो रिक्शा में 2.50 रूपये और टैक्सी में 5 रूपये बढ़ाए हैं। रात्रि शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आज काजीरंगा में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका का डिजिटीकरण, न्याय उपलब्ध कराने में इसका प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार के साथ मिलकर किया है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे। भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी प्रो लीग के आरंभिक मैच में कल भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हरा दिया। खेल के अंतिम 15 मिनट में मनदीप सिंह के 2 गोल से 3-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम ने न केवल बराबरी की बल्कि जीत भी दर्ज की। भारत के लिए पहला गोल मनप्रीत मोर ने और दूसरा कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया था। न्यूजीलैंड की ओर से सैन लेन ने 2 जबकि जैक स्मिथ ने 1 गोल किया। प्रतियोगिता के दूसरे मैच में कल भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज दक्षिण कोरिया के चोई सोल ग्यू और किम बोन से खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने बड़े उलटफेर में शीर्ष वरीयता प्राप्त थाईलैंड के होकी टाकुरो और कोबायाशी योगाओ को हराया। चिराग और सात्विक साईराज ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। भारतीय जूनियर टीम सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज श्रद्धालु खरना कर रहे हैं। इस दिन दिनभर के उपवास के बाद शाम को निर्जला व्रत तोड़ा जाता है और फिर अगले 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया जाता है।
छठ महापर्व में पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। इस बीच देश के विभिन्न सूर्य मंदिरों पर श्रद्धालुओं का एकत्र होना शुरू हो गया है। कल शाम और सोमवार सुबह के अर्घ्य के लिए घाटों को सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला विराजमान के दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई है। प्राचीन नगरी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रातः दर्शन की अवधि आधे घंटे और संध्या दर्शन की अवधि एक घंटे बढ़ाई गई है। श्रद्धालु अब सुबह 7 से 11 बजे तक और दिन के 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला विराजमान के दर्शन कर सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल चिंतन शिविर में ये कहना कि बंदूक और कलम दोनों तरह के नक्सलवाद से युवा भ्रमित, इसे जड़ से मिटाना होगा, अमर उजाला में है। जनसत्ता कहता है प्रधानमंत्री ने कहा कि फर्जी खबरें देश में बवाल कर सकती हैं, ऐसी खबरों पर लगाम लगाने के लिए उन्नत तकनीक जरूरी। उधर हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के सुझाव को प्रमुखता से दिया है कि पुलिस की हो एक ही यूनिफॉर्म यानी एक राष्ट्र एक वर्दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कहना कि कुछ देश आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की खबर है। अमर उजाला की पहली खबर है पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने 26/11 के आतंकी की चलाई रिकॉर्डिंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र विदेश नीति के लिए मोदी की प्रशंसा की, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र ने आगे लिखा है पुतिन ने बांधे प्रशंसा के पुल, कहा आने वाले समय भारत का। जोधपुर में भारत फ्रांस की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है रफाल से मुकाबला करेगा स्वदेशी तेजस। एलन मस्क द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण की खबरें सभी अखबारों में हैं। हिन्दुस्तान लिखता है मस्क ने कहा नीली चिड़िया आजाद, सरकार बोली नियम मान्य होंगे। ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ेगा, दिल्ली सरकार से मिली हरी झंडी, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। पत्र ने सवाल किया है कि क्या किराया बढ़ने के बाद मीटर से चलेंगे दिल्ली के ऑटो वाले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा संदेश दिया। दोनों देशों ने कहा मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत विश्व में सर्वोत्तम तकनीक और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणेता होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। उत्तर पूर्व मॉनसून के आज भारत के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र पहुंचने की संभावना, तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए में वृद्धि की। भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग के प्रारंभिक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।